नमस्कार दोस्तों, ज्ञान हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए इन्वर्स से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स लाते रहूँगा। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू से आप अपने फ़ोटो और वीडियोज को बिना एप्लीकेशन के थ्रू से हाइड कर सकते हैं। आपको कोई एप्लीकेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप आसानी से अपने फ़ोटो और वीडियोज़ को हाइड कर सकते हैं, जो कि ना ही आपके वीडियो प्लेयर में दिखाई देगा और ना ही आपके गैलरी में दिखाई देगा। कुछ आपके ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपका मोबाइल हाथ में लेने के बाद डायरेक्ट आपके गैलरी में जाते हैं और आपके प्राइवेट फ़ोटोज़ को देखते हैं, या फिर आपके वीडियो प्लेयर में जाते हैं और आपके प्राइवेट वीडियोज़ को देखते हैं। तो इस ट्रिक के थ्रू से आप जो है अपने प्राइवेट वीडियोज और प्राइवेट फ़ोटोज़ को आप हाइड कर सकते हैं बिना एप्लीकेशन के थ्रू से और बिना रूट किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कैसे करना है। सबसे फर्स्ट जो है आप कीजिए क्या, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जो है एमएक्स प्लेयर पे चलेंगे। एमएक्स प्लेयर पे चलते हैं। ये मेरा एमएक्स प्लेयर हो गया। ये जो एमएक्स प्लेयर है, एमएक्स प्लेयर को ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अलार्म फोल्डर है। इस फोल्डर में दो वीडियो है मेरा, ठीक है, दो वीडियो है। इसको मैं हाइड करूँगा। हाइड करने के बाद क्या होगा कि ये जो फाइल है वो हाइड हो जाएगा, एमएक्स प्लेयर में शो नहीं करेगा, ठीक है। चलिए मैं प्रोसेस बता देता हूँ क्या करेंगे। फाइल एक्सप्लोरर में चलेंगे, अपने फाइल एक्सप्लोरर में चलना है। वहाँ पे कौन सा फोल्डर था, अलार्म फोल्डर, अलार्म फोल्डर को क्लिक करना है। उसके बाद देखिए सबसे ऊपर वाला, ये वाला और उसके बाद ये वाला, ये दोनों वाला वीडियो वहाँ पे शो कर रहा था। अब अपने को क्या करना है, हाइड करना है। तो सिंपली क्या करना है, इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद मोड पे चलेंगे और रीनेम करना है। क्या करना है, रीनेम करने के बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये MP4 फाइल में है। MP4 में जो है ना, इसको क्या करना है, सिंपल सा इसका जो फाइल जो है, इसको जो हम क्या करेंगे, MP4 के जगह इसको हटा देना है, MP कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे बता रहा है, इफ़ यू चेंज दिस फाइल एक्सटेंशन यू मे नॉट टू बी एबल टू ओपन इट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ओके कर देना। ओके जैसे ही करेंगे, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पहले वीडियो में शो कर रहा था लेकिन अभी ये वाट में शो कर रहा है, लेकिन ये वीडियो है। ऐसा बात नहीं कि ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। उसी तरह से ये नेक्स्ट वाला वीडियो, जो ये वाला वीडियो है, ये नेक्स्ट वाला वीडियो भी उसी टाइप से करेंगे। इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद मोड पे चलेंगे, रीनेम पे चलेंगे और ये MKV फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट को हम चेंज कर देंगे। ओके करेंगे, देखिए ये अब ये फिर ये भी जो है वाट में शो करने लगा, ठीक है, लेकिन ये चलेगा, ऐसा बात नहीं कि ये चलेगा नहीं, ठीक है। आपको अगर ये वीडियोज़ देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक करना पड़ेगा और वीडियो में जाना पड़ेगा और आपका जो भी वीडियो प्लेयर है, जैसे कि MX प्लेयर वीडियो प्लेयर है, उसको क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे एक प्रूफ ये दिखाने वाला हूँ। मैंने दो वीडियोज को हाइड किया यहाँ पे और MX प्लेयर में ये वीडियो शो कर रहा था, लेकिन अब ये शो नहीं करेगा। हम लोग चलेंगे MX प्लेयर पे। MX प्लेयर पे जाने के बाद देखिए, फर्स्ट में ही अलार्म वाला फोल्डर शो कर रहा था लेकिन अब यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपके वीडियो प्लेयर से आपका जो वीडियोज था जिसको आपने हाइड किया है वो ऑलरेडी हाइड हो चुका है। तो कहने का अर्थ ये दोस्तों कि आप वीडियोज के जो फॉर्मेट होते हैं, MP4, MKV, जो भी फॉर्मेट होते हैं, उस फॉर्मेट को आप हल्का सा, जो जैसे कि MP4 है, आप उसको डिलीट कर दीजिए, MP4 को आप 4 हटा दीजिए, ठीक है, उस तरह से करके आप जो है, यानी कि फॉर्मेट को माइनस कर देना, फॉर्मेट को डिलीट कर देना है, उस तरह से करके आप जो है एंड्रॉयड में अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को हाइड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। आप अपने दोस्तों से, जो कि आपके कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो कि आपके मोबाइल को हाथ में लेते हैं और डायरेक्ट गैलरी या वीडियोज़ फोल्डर में, वीडियोज़ प्लेयर में जाते हैं और आपके वीडियोज़ या फ़ोटोज़ को शो कर देखने लगते हैं, तो उससे बचाने के लिए आप इस तरह से हाइड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो भी आप, जैसे कि फ़ोटोज़ जो आपके आते हैं, आपके जो भी फ़ोटो, आप लोग, हम लोग जो फ़ोटो खींचते हैं, ठीक है, तो वो JPG फॉर्मेट में होता है,
तो उस फॉर्मेट को हल्का सा डिलीट कर दीजिए, जैसे कि JPG ये फॉर्मेट हो गया, जी को डिलीट कर दीजिए और उसके बाद उसको सेव कर दीजिए। वो क्या हो जाएगा कि वहाँ पे वाट शो करने लगेगा, वाट शो करने लगेगा तो आपका गैलरी में शो नहीं होगा। सिंपल सा बात है, गैलरी में शो नहीं होगा तो आपका फ्रेंड जो आपके सॉरी जो आपका मोबाइल जो आपके हाथ से लेंगे, आपके गैलरी में जाएंगे तो उसको वो जो फ़ोटो दिखाई ही नहीं पड़ेगा, सिंपल सा बात है। तो ये एक तरीका है, आप अपने फ़ोटोज़ को, अपने वीडियोज़ को हाइड कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये था दोस्तों कि इस तरीके से आप अपने वीडियोज़ और फ़ोटोज़ के फॉर्मेट को चेंज करके आप फ़ोटो और वीडियोज़ को हाइड कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।